हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पर। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो टेबल फैन रिपेयरिंग का, और इससे टेबल फैन के बारे में सारा चीज़ आज इस वीडियो में बताएंगे, और इसके सर्किट डायग्राम और सारे चीज़ के साथ मैं आपको पूरी तरीके से डिटेल में बताऊंगा, और आप इसके बारे में रिपेयरिंग करना पूरी अच्छे तरीके से सीख जाएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सर्किट डायग्राम के साथ इस वीडियो में बताते हैं। जैसे कि आज का वीडियो जो हमारा टेबल फैन के ऊपर है, और चलिए फ्रेंड, टेबल फैन को पहले कंप्लीट करके आपको दिखाने से पहले इसके जो सर्किट डायग्राम है इसके बारे में कुछ आपको समझा दूं, ताकि आपको वीडियो पूरा पूरी समझने में आसानी हो, और आप इस वीडियो से समझ के अपना जो टेबल फैन या किसी का भी टेबल फैन आप आसानी तरीके से रिपेयर करके दे पाओगे फ्रेंड। तो चलिए इस डायग्राम की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ पहला सबसे सिंपल डायग्राम। तो जैसे कि टेबल का सिंपल डायग्राम है, मैंने नेट से डाउनलोड किया हूँ, और इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें किस तरह से कनेक्शन किया हुआ है। तो फ्रेंड, मैंने अपना एक पेज ले आया और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक कैपेसिटर दिख रही है, ये हमारा 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। तो ये आपको इसलिए सभी को पता होगा कैपेसिटर, और लगभग लोग बैटरी भी बोल देते हैं, और कुछ कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ये जो मेन है ये है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर और कंट्रोलर भी बोल देते हैं बहुत लोग, लेकिन इसका जो नाम है कैपेसिटर, कंट्रोल करके जो मोटर को स्पीड जो है अच्छी तरीके से दे पाती है सिंपल भाषा में, लेकिन ये कैपेसिटर जो है पावर सेक्टर को कंट्रोल करने का काम करती है फ्रेंड। लगभग कैपेसिटर जो है बहुत एम्पलीफायर और बहुत सारे सर्किट में यूज होती है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा फ्रेंड। फिलहाल ये सीलिंग फैन और टेबल फैन के लिए कैपेसिटर ये बिना नेगेटिव पॉजिटिव का है, और बहुत सारे कैपेसिटर में नेगेटिव पॉजिटिव भी होती है, और बहुत सारे पीएफ भी होती है, वो अलग अलग टाइप का वीडियो आपको बना के बताऊंगा फ्रेंड। फिलहाल जो है टेबल फैन के बारे में आप जानिए, ये हमारा टेबल फैन है, और इसी का जो है कनेक्शन यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड। टेबल फैन का जो मेन यहाँ पर जो घूमने वाली पार्ट है, ये हमारा घूमने वाली पार्ट, ये हमारा मोटर बाहर निकल के आ जाती है फ्रेंड। अब यहाँ पर क्या किया फ्रेंड, इस मोटर का यहाँ पे तीन वायर लिख लिए मोटर का, जैसे कि ये हमारा है मोटर सिंपल सा, ये मोटर का रट शाफ्ट निकल गई है, और ये पिन है, और इसमें पत्ती जाम होगी जो ये ब्लेड है फ्रेंड। अब यहाँ से लिख ली हमारे लिए किसी किसी में आपका फ्रेंड चार तार निकल जाएगा, जैसे कि इसमें तीन वायर लिख ली हुई, तो एक होगा रेड, एक होगा ब्लैक, एक होगा कोई और ब्लू भी हो सकता है, ब्लू ही मान लीजिए। तो रेड वायर जो है ये डायरेक्ट मेन लाइन है, ये दोनों जो है जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक दो तीन, जैसे कि मेन लाइन रेड वायर इसमें गई है प्लग में, तो ये रेड वायर हम भी एक टू पिन का प्लग जो है मेन लाइन डाल देते हैं फेज। अब इसमें एक कैपेसिटर लगा देते हैं सिंपल सा, तो यहाँ पे एक बड़ा सा छोटा सा कैपेसिटर बना लेते हैं, ये कैपेसिटर का वायर, ये कैपेसिटर का वायर जोड़ दिया। अब आती है फ्रेंड इस मोटर को चलाने का, इस मोटर को चेक करना पड़ेगा, एक फेज यहाँ पे दे दिया, और न्यूट्रल एक इसमें देना होगा और एक इसमें देना होगा, किसी एक में न्यूट्रल देना होगा, ये मोटर जो है सीधा स्पीड जो है कैसा घूमेगा, अगर उल्टा घूम रहा है तो इसको हटा के इसमें देना होगा, तभी जाकर आपका मोटर सही चलेगा और ख़राब नहीं होगा। अब आती है अंदर की कनेक्शन की, अंदर कनेक्शन में गलती होगी और सीधा उल्टा अगर कनेक्शन गड़बड़ होगा तो आपका जो है कोयल जल जाएगा फ्रेंड, उसके बारे में भी आगे वीडियो में बताते हैं फ्रेंड। फिलहाल यहाँ पे न्यूट्रल दिए, ये हमारा हो गया न्यूट्रल, और ये पंखा हमारा जो है सीधा घूमने लगा, अगर इस पॉइंट से दिए पंखा उल्टा घूम रहा है तो आपको मोटर को चलाना ही नहीं है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा मोटर को गर्म करेगा और आपका मोटर ज़्यादा हीट होगा, और ज़्यादा हीट होगा तो मोटर जो है ख़राब हो जाएगी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड आगे दिखाते हैं आपको, यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से ये दो वायर कैपेसिटर का गया, एक वायर मेन में गया प्लग जो है, और एक वायर स्विच के थ्रू जो कि अला स्विच में गया है, और स्विच के होते हुए एक यहाँ पर आया जो कि डायरेक्ट मैंने आपको दिखाया। अब आते स्विच का कनेक्शन, जैसे कि यहाँ पर एक कोयल लगा हुआ फ्रेंड, सिंपल सा एक कोयल लगा हुआ, इसके बारे में एक वीडियो बना हुआ रेगुलेटर किट के बारे में,
टेबल फैन का, उसका वीडियो जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ फ्रेंड। और फ्रेंड ये जो कोयल है सिंपल कनेक्शन है, तो स्विच का यहाँ पर भी आपको एक दो तीन चार चार पॉइंट हमारा जो है यहाँ पर भी मैंने बना दिया। और ये जो है कोयल का, एक कोयल का पॉइंट यहाँ पे शॉर्ट कर दिया सिंपल सा। और ये न्यूट्रल ले सकते हैं या फेज भी ले सकते हैं फ्रेंड। तो स्विच में मैं यहाँ पे फेज लेता हूँ, फेज यहाँ पे लगा दिया। और ये दो पॉइंट आती है फ्रेंड, ये दो पॉइंट को एक इसमें लग गया, एक इसमें लग गया, और एक लास्ट जो बचा आउटपुट चल गया। तो ये हो गया फेज, और इस न्यूट्रल को मैं यहाँ से इसमें लेकर आ गया, न्यूट्रल और फेज यहाँ से लगाऊंगा। ये स्विच एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ये इजीली काम करेगा। तो स्विच के बारे में एक रियल प्रैक्टिकल वीडियो मैं बना दूंगा, बाकी कोयल के बारे में आपको जो समझा रहा हूँ वो सिंपल इसी तरीके से होगा। अब सेकेंड, तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल हमारा जो है कोयल का डायग्राम है। यहाँ पे ये अंदर वाली कोयल है फ्रेंड, और ये रनिंग कोयल है, ये स्टार्टिंग कोयल है, रनिंग कोयल है, ये प्राइमरी कोयल भी बोल सकते हैं और ये सेकेंडरी कोयल भी बोल सकते हैं। तो प्राइमरी कोयल में कभी भी लाइन नहीं देना चाहिए स्टार्टिंग कोयल में, और रनिंग कोयल में लाइन देना चाहिए। अब लाइन देना चाहिए मतलब मेन लाइन जो है, जो कि इस वायर इसमें मैं बताया। आप यहाँ पर देखिए अंदर के कोयल का दो वायर निकला हुआ, जैसे कि हम सिंपल सा समझाने का कोशिश करता हूँ। डायग्राम तो ऐसा है, ये मानिए कि कोयल का ये अंदर का कोयल हो गया, ये हमारा बाहर का कोयल हो गया। सीलिंग फैन में कुछ इसी तरह से होता है। ये कोयल को मैं यहाँ टर्न्स लिया, जितना भी टर्न्स मिला, ये दो वायर मैंने सिंपल सा निकाल दिया, ये बाहर का निकल गया। अंदर का भी कुछ इसी तरीके से ये किया, और दो वायर मेरा इधर से निकल गया। अच्छा चलिए किधर से भी निकाल देते फ्रेंड, ये दो वायर मेरा इधर से निकल गया, सिंपल समझिए ये अंदर का कोयल हो गया, ये बाहर का कोयल हो गया। अब हर पंखा के कोयल में चार वायर निकलेगी, फोर वायर निकलेगी आपका जो है। तो फोर वायर यहाँ पर भी निकला है फ्रेंड, ये मेरा निकल गया रनिंग वाइंडिंग कोयल, ये हमारा निकल गया स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये निकल गया रनिंग वाइंडिंग। तो मेरा जो है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग कोयल है, और ये रनिंग वाइंडिंग कोयल है। तो ये बाहर वाले जितना भी कोयल है वो रनिंग होगा, और ये स्टार्टिंग। और मार्केट में जो कोयल मिलेगा ये आपका कोयल होगा रेड कोयल, रेड वायर का दो जो रहेगा, रेड वायर का जो दो भी वायर रहेगा रेड, और ये आपको ब्लैक नज़र आएगा, ब्लैक यार कोई अदर भी कोयल होगा। और इसको चेक करने के लिए आपको जो है रियल प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। फिलहाल अगर इसको चेक करिएगा तो लाइट जो है आपका ज़्यादा डिम जलेगा, और इसको जो है कम, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखना होगा रियल में आपको क्या बता दूँ। तो रियली इसको चेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको सिंपल जो बता देता हूँ, ये दो वायर है और रेड ही होता है, और ये ब्लैक ही आपको जो है देखने को मिलेगा। अब आती इसकी कनेक्शन, तो जैसे कि देखिए यहाँ पर रनिंग है, जैसे कि मैंने दिखाया है कि दो, एक इसका भी है, एक बाहर का दो वायर और ये अंदर का दो वायर। तो जैसे कि यहाँ पे रनिंग और कोयल इसका जो है, तो यहाँ पे रनिंग कोयल और ये है स्टार्टिंग। तो यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, एक रनिंग लेना है, एक स्टार्टिंग लेना है, ये दोनों को शॉर्ट कर देना है, और सिंपल सा इस तरह से कनेक्शन निकालना है। उसके बाद ये दो कनेक्शन निकल गया, स्टार्टिंग एक और ये दो बच गया, ये दोनों में आपको कैपेसिटर लगाना है। इस तरह से कैपेसिटर हमारा जो लग गया, अब बच गया दो वायर। अब आती है फ्रेंड, इसमें देंगे फेज और इसमें देंगे न्यूट्रल, इसमें भी दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं, लेकिन देना किसमें रियल जो बता देता हूँ, इसमें देना आपको फेज और इसमें देना है न्यूट्रल रेड वायर में फ्रेंड। तो रेड वायर में हमने दे दिया, अब पंखा जो हमारा उल्टा घूम रहा फ्रेंड, तो उल्टा घूम रहा है तो चेंज क्या करेंगे, जो कि मुझे रेड में देना है और सीधा भी घुमाना है, तो ऐसा हो सकता प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, यहाँ से यस वाली या रनिंग वाली कोई भी कर सकते हैं। तो मैंने चलिए कि मैं रनिंग का अगला वायर को हटाया, ये वायर को इधर कर दिया और ये वायर को इधर कर दिया, माने कि इसको इधर कर देना, इसको इधर कर देना, आपका जो रनिंग सही हो जाएगा। अगर ये नहीं करते तो इधर से इसको इधर और इसको इधर,
एला तार को इधर कर देना, एला तार को इधर कर देना, आपका जो है 100% की आपका जो है इस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लाइन का जो है आपको इसमें कैपेसिटर में रेड वाली वायर में ही देना है सबसे ध्यान। तो हमारे पास एक और ही डायग्राम होगा फ्रेंड, क्योंकि देखिए कुछ ही डायग्राम में भी आपको जो है कॉमन वायर जो कि दो वायर को शॉर्ट करके निकाला है यहाँ पे, और ये है रनिंग वायर, और यहाँ पे फ्रेंड स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, जो मैं समझा दिया ना फ्रेंड वही सिंपल सा कनेक्शन है जो कि इस डायग्राम में आपको पूरी पूरी समझ में आ रही है फोर वायर। तो अब आती है सीलिंग फैन। सीलिंग फैन में भी सिंपल सा ऐसे ही रहता है, एक अंदर का कोयल रहता है और एक बाहर का कोयल रहता है, उसमें भी सेम इसी तरीके से कनेक्शन होगा फ्रेंड, सिंपल सा जैसे मैंने बताया। उसमें भी रनिंग होती है और स्टार्टिंग होती है। रनिंग होगी आपका बाहर का वायर जो कि रेड समझिए, और इधर इसको ब्लैक समझिए। तो ये रेड और ये ब्लैक, और ये दोनों कैपेसिटर लाइन 2.5 माइक्रोफैराड जो है दो वायर, एक इसमें जोड़ दिया और एक इसमें जोड़ दिया, इसमें फेज डाल दिए और इसमें न्यूट्रल डाल दिए, जैसा कि सिंपल मैंने इसमें बताया। और अभी जो मैं आपको इसका पूरी तरीके से कनेक्शन करके मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड, तो चलिए आगे वीडियो को देखते हैं। तो फ्रेंड चलिए, वीडियो को आपने देख के समझ नहीं लिया होगा सर्किट डायग्राम को, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट भी कर सकते हैं फ्रेंड, और इसके बारे में और भी अच्छा डिटेल में वीडियो आपको बना दूंगा फ्रेंड। तो चलिए आज का जो वीडियो जो है वो सर्किट डायग्राम आपको समझा दें, और वीडियो में जो है आज इसी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास टेबल फैन में तीन वायर मुझे मिला, रेड ब्लू और ब्लैक, जो कि तीन वायर आपको हर पंखा में देखने को मिलेगा, लगभग पंखा में तीन वायर चार वायर। और देखिए मैं सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से यहाँ पे चेक करूँगा फ्रेंड। तो देखिए सीरीज टेस्ट लैंप यहाँ तो नहीं जला, और देखिए दोनों वायर को शॉर्ट करने से सीरीज टेस्ट लैंप का लाइट जल रहा है। अगर सीरीज टेस्ट लैंप के बारे में नहीं पता है तो ज़रूर कमेंट करें, उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा, और इजीली सीरीज टेस्ट लैंप के बिना आप इसका काम नहीं कर पाएंगे। तो सीरीज टेस्ट लैंप होना ज़रूरी है आपके लिए फ्रेंड, और कुछ कुछ टूल्स होना ज़रूरी है, तभी जाकर टेबल फैन और सीलिंग फैन और कोई भी फैन को इजीली रिपेयर कर पाओगे। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे कोयल को चेक कर रहा हूँ, कोई भी कोयल में हमारा जो लाइट है थोड़ा सा नहीं जल रहा है, तो यहाँ पे कोयल का प्रॉब्लम है। तो चलिए फ्रेंड इस पंखे को खोलेंगे और कोयल को चेक करेंगे, कोयल जल गया है या पूरे ही ख़राब हो गया है, नॉर्मल डैमेज हो के मैं इसको रिपेयर कर पाऊँगा या नया कोयल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको पूरी दिखाते हैं, और जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहती है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड पहले इसको खोल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कनेक्शन करके और सारे चीज़ को कहाँ से क्या प्रॉब्लम होती है लगभग एसी वाली पंखे में। ये हमारा पंखा अल्मीनियम कोयल का है, कॉपर नहीं, कॉपर वाले कोयल में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, कॉपर वाला कोयल में लगभग कोयल जल ही जाता है और कुछ और ही प्रॉब्लम होता है, लेकिन अल्मीनियम कोयल का प्रॉब्लम जो है बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी रिपेयर होने वाली प्रॉब्लम है फ्रेंड, और बहुत ही जल्दी भी इसको रिपेयर भी कर पाओगे फ्रेंड। तो चलिए मैंने यहाँ पे कोयल को सारा चीज़ को यहाँ पे फ्रेंड एक चीज़ का ध्यान रखना, कोयल को आराम से निकालना है, यहाँ पर अंदर की जो रोटर है जो रट रोटर है उस रोटर को ध्यान से निकालेंगे, ताकि जो कोयल आपका डैमेज ना हो। हमारा जो कोयल बहुत बार डैमेज हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कोयल जो है अच्छी तरीके से क्लीन करके निकालेंगे, नहीं तो कोयल डैमेज हो जाएगी तो आपका जो कोयल है रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो देखिए इजीली हमने निकालने का कोशिश कर रहा हूँ, और देखिए सिंपल सा निकल जाता है, लेकिन जिस कोयल में नहीं निकले वो ज़बरदस्ती नहीं करनी, कुछ आइडिया और दिमाग लगाना है तब जाकर इसको निकालना, नहीं तो फ्रेंड आपका जो कोयल है डैमेज हो सकता है फ्रेंड। हमारे हिसाब से ये है, मैंने 2-3 साल रिपेयर करने के बाद ही मैं चीज़ को गैच कर रहा हूँ, और बहुत ही कोयल डैमेज हमारे साथ भी हो चुका है, तो आपके साथ ना हो इसीलिए मैं आपको बता दिया। अब चलिए फ्रेंड यहाँ पे वायर के पास यहाँ पे कटिंग करेंगे और देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, अंदर से कोयल चेक करने के बाद ही हमारा जो है कोयल रिपेयर हो पाता है और पूरी डेढ़ हो चुकी है। तो चलिए यहाँ से हमने कटिंग कर लेते हैं कटर की मदद से, या किसी भी चीज़ की मदद से यहाँ पे कटिंग करके इस वायर को धागा को कटिंग कर लेंगे, उसके बाद जो है यहाँ से वायर को निकालेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे फ्रेंड कि हमारा जो है कोयल सही है या नहीं, अगर सही है तो इसको रिपेयर करके और फिर से इंस्टॉल करेंगे और हमारा जो पंखा
इजीली सही हो जाएगी फ्रेंड। तो इसमें भी तीन वायर हमारा जो निकला हुआ वो रियल चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्रेंड डायग्राम के हिसाब से। तो देखिए हमारे पास एक वायर ये है और रेड वाली वायर में ही डबल देखने को मिलेगा जो कि होती है कॉमन, और रेड वायर हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि मेन लाइन उसमें जाती है फ्रेंड इसीलिए। और बहुत सारे पंखा में थोड़ा सा अलग अल्टर कनेक्शन रहता है, उसमें आपका गलती भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ स्लैम की मदद से आप चेक करना सीख जाएंगे तो आपका ये गलती नहीं होगा। हो जाता है कभी कभी अल्टर लोग अल्टर कनेक्शन करने से कलर का कम्बिनेशन सही नहीं होने से। तो लगभग पंखा में रेड वायर देखने को मिलेगा दो वायर के लिए। और देखिए फ्रेंड यहाँ पर एक वायर ये है और ये दो वायर रेड के लिए है, तो इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये भी वायर हमारा जो है कटिंग हो चुका है, यहाँ पे दोनों वायर को यहाँ पे इजीली लपेट देंगे। उसके बाद यहाँ पे माचिस की मदद से इसका जो है लेबलेशन को हटाएंगे और ये दो वायर को जो कैपेसिटर के वायर है दोनों, ये आपका एक स्टार्टिंग कोयल का है और एक रनिंग कोयल का है, तो यहाँ पर रनिंग कोयल वाला में ही पावर जाएगी। वो सारा कनेक्शन यहाँ पर पहले से किया हुआ रहता है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे कनेक्शन का जो भी था निकाल लिया है मैंने, और चलिए फ्रेंड यहाँ पे जो है रोटर भी निकल चुका है और कनेक्शन जो है करके भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो है शाफ्ट बूस भी यहाँ पे चेंज करनी है, ये हमारा जो बूस है वो भी ख़राब हो चुका है, ये भी लगभग डैमेज हो जाती है, ये सब को भी चेंज करना ज़रूरी है ताकि आपको जो पंखा लास्टिंग अच्छा करे और दिक्कत ना हो, बीच में डिस्टर्ब ना हो गर्मी का टाइम होता है तो। और ये सब भी चेंज करके आपको दिखाएंगे फ्रेंड, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है और ये सब को भी डैमेज कर दिया है, खुलने के बाद ये सब भी चेंज कर लीजिएगा ताकि आपको जो पंखा सही से चले फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे वायर के कनेक्शन को देख लेते हैं एक बार और यहाँ पे पहले वायर के कनेक्शन ही कर लेंगे ताकि जो है ये वायर टूट ना जाए ये सब करने के चक्कर में। तो पहले आप वायर के कनेक्शन को ही कर लीजिएगा और हमारे पास जो है लाइटर, लाइटर की मदद से यहाँ पर वायर को जला लेंगे थोड़ा सा। तो देखिए थोड़ा सा जला लेते हैं और यहाँ पे जो है रनिंग कोयल और स्टार्टिंग कोयल का दो वायर है और रनिंग और स्टार्टिंग का एक तो शॉर्ट है जो कि कॉमन वायर हमने बनाया जो कि रेड वायर होती है सभी सीलिंग टेबल फैन और सीलिंग फैन के पंखा में फ्रेंड, जो कि मैंने सर्किट डायग्राम से आपको समझाया सेम वही कनेक्शन यहाँ पर करना है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पर दो वायर को निकाल लेते हैं और यहाँ पर सब कनेक्शन करके यहाँ पर तीन वायर निकालेंगे फ्रेंड। और उससे निकालने से पहले यहाँ पे फ्रेंड कोयल को चेक करना फ्रेंड, कोयल चेक करने के बाद ही आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। तो चलिए फ्रेंड मैंने सीरीज लाइन की मदद से यहाँ पे कोयल जो हमारा सही है, रनिंग भी सही है और स्टार्टिंग भी सही है, स्पार्क हो रही है देख रहे हैं। तो सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से सब चेक होता है फ्रेंड, सीरीज टेस्ट लैंप के बारे में नहीं पता है तो आप डायरेक्टली हमसे चैट कर सकते हैं, हमारा जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ फ्रेंड। और चलिए फ्रेंड यहाँ पे कोयल मैंने चेक कर लिया और यहाँ पे कोयल के कनेक्शन करेंगे रेड रेड ब्लैक ब्लू, रेड ब्लैक ब्लू, आप ब्लैक ब्लू को किधर भी लगा सकते हैं स्टार्टिंग या रनिंग में, वो आपको कैपेसिटर कनेक्शन करने के बाद जो है कौन सा सही स्पीड कौन सा सीधा घूम रहा है वो आपको सही पता चल जाएगा, उसी में ही कनेक्शन करके लगा देना है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है फ्रेंड। इसमें पंखे के कोयल में जो है पहले से कनेक्शन किया हुआ फ्रेंड, जिसमें नहीं क्या वायर था उसमें चार वायर रहती उसमें कनेक्शन चेंज करना पड़ता, उसके बारे में भी वीडियो मैं आपको बना दूंगा, अगर ज़रूरत है तो कमेंट जरूर करें, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो डिटेल में बना दूंगा सीलिंग फैन का, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा फ्रेंड। फिलहाल मैंने तो आपको डायग्राम समझा दिया, उसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए इस वायर का कनेक्शन कर लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड इस चैनल पे जो न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहती है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ धागा के मदद से जो है यहाँ पे सही तरीके से बांध लीजिएगा तभी जो है आपका सही से होगा फ्रेंड। और
तो फ्रेंड चलिए मैं यहाँ पे शाफ्ट खोल के दिखाऊंगा फ्रेंड, इसको शाफ्ट को इसके मदद से या कोई भी पाइप की मदद से यहाँ पे शाफ्ट को खोलना है, ताकि जो आपका शाफ्ट अच्छी तरीके से खुल जाए और यहाँ पे शाफ्ट को इजीली चेंज कर पाएंगे फ्रेंड। इसके बारे में वीडियो हमारे चैनल पे बने हुए पहले से, उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में, और चैनल पे जाके सर्च करके भी देख सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए मैंने यहाँ पे शाफ्ट को खोल लिया, फिलहाल इस वीडियो में ही सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड ये शाफ्ट हमारा जो है ख़राब हो चुका है, और यहाँ पे न्यू शाफ्ट को इंस्टॉल करेंगे, जो कि हमारा न्यू शाफ्ट हमारे पास आ चुका है और इसको इंस्टॉल करते हैं फ्रेंड। तो इंस्टॉल करने से पहले फ्रेंड यहाँ पे बूस को इंस्टॉल करेंगे। पहले फ्रेंड बूस इंस्टॉल करने के बारे में जो प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस को जरूर उपयोग करें, ताकि आपका जो है पंखा लास्टिंग ज़्यादा करे। यहाँ पे हमने रिपीट लेके आऊँ, स्क्रू की मदद से भी यहाँ पे काम चला सकते हैं फ्रेंड। स्क्रू बिजली मार्केट में मिल जाएगा, रिपीट भी आपको पंखे की दुकान में मिल जाएगा फ्रेंड। तो चलिए हमारे पास रिपीट है, बूस उपयोग करेंगे, एक रुई उपयोग करेंगे, जो कि पंखे की बूस में रुई रहेगी, जिसमें मोबिल रहेगी और मोबिल सूखेगा नहीं जल्दी, और पंखा जो है मोबिल फ्री पंखा जो है फ्री चलेगा। और ये हमारा बूस है, छोटी वाली बूस, और इसका नंबर जो है 34 या कुछ करके नंबर है, नंबर कंफर्म मुझे भी नहीं पता अभी, तो नंबर में क्या बता दूँ। लेकिन छोटी वाली एपी बूस बोलने से भी आपको ये वाला बूस मिल जाएगा फ्रेंड मार्केट में। एपी फैन, ये हमारा जो फैन का नाम है एपी फैन, एपी मोटर बोल सकते हैं, लगभग लोगों छोटा फैन ही बोलते हैं। और कंपनी का ब्रांड भी अलग अलग आ जाती है ब्रांड मार्केट में। और तो चलिए इसके रुई को भी यहाँ पे लगा देते हैं, और इसमें मोबिल भर के इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपका जो है पंखा लास्टिंग ज़्यादा करे। और चलिए इसको रिपीट लगा के इसको टाइट कर लेते हैं, और कुछ इसी तरीके से यहाँ पे, और ये भी लगाना ज़रूरी है, और इसको भी लगा लेते हैं, और ये हमारा लग गया। उसके बाद यहाँ पे इस ढक्कन को लगाएंगे, और इसके बाद इसको फ्रेंड रिपीट की मदद से इसको जाम करेंगे। तो चलिए इस रिपीट की मदद से दोनों तरफ की जाम कर लेते हैं फ्रेंड दोनों बूस को। कुछ इस तरीके से रखेंगे फ्रेंड, और रिपीट के लिए यहाँ पे एक रट लेंगे मोटी वाली, और इस रट से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मारेंगे, इजली आपका रिपीट जो है इंस्टॉल हो जाएगा फ्रेंड। तो आपका जो रिपीट काम कर गया फ्रेंड हमारा, और चलिए सारा रिपीट को यहाँ पर लगा लेते हैं। चलिए फ्रेंड हमारा यहाँ पे सेकंड वाली बूस और रिपीट लगा रहा हूँ, बूस और जो रुई है सारा चीज़ को यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे रिपीट भी करेंगे फ्रेंड। सेकंड वाले में भी रुई में आप जो है मोबिल डाल लीजिएगा, ये मोबिल जो हमारा बाइक वाला दुकान में मोबिल मिल जाएगा, 10 रुपये करके पाउच मिलती है फ्रेंड, वो बाइक वाला गैरेज से आप ले सकते हैं, और इसी मोबिल का आप उपयोग करें, ताकि आपको पंखा जो है लास्टिंग ज़्यादा दिनों तक करे फ्रेंड, और सस्ता में भी मोबिल आपको मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे शाफ्ट को लगाते हैं, हमारे पास न्यू वाली शाफ्ट है, उसको लगा देते हैं फ्रेंड। कुछ इस तरीके से शाफ्ट को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। और फ्रेंड थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही, और ज़्यादा नहीं लगे तो थोड़ा सा फाइल से घिस लीजिएगा, तो आपका जो है इजीली इंस्टॉल हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारा जो है इंस्टॉल हो चुका है, और इसमें जो भी सारा सामान को लगा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे पंखे को पूरे अच्छे तरीके से सेटिंग कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे दो भी वाशर है, ये वाशर वाला, इसमें वाशर लगेगी, दो पहले से हमारा जो लगी हुई थी, और यहाँ पे मैंने पहले भी उसको नहीं खरीदा, तो यहाँ पे वाशर लगा लेते हैं, और वाशर उतने ही लगाना जितना ज़रूरी है, और आगे पीछे को वाशर जो है सही तरीके से मैचिंग करेंगे। अगर मैचिंग में कोई भी गड़बड़ी हुई तो आपका जो पंखा जो आवाज़ करेगी और सही तरीके से फिटिंग नहीं होगी। तो पीछे वाला इतना अच्छा हिसाब से मैचिंग करें, जहाँ तक कि बूस ही रहे, शाफ्ट का भी जगह उतना ही रहे,
ताकि आपका जो सही तरीके से लग जाए। अगर बूस शाफ्ट का बूस से ज़्यादा पीछे चल जाएगा तो ढक्कन का जो पीछे वाले रट टीना है उसमें लगेगी तो आवाज़ तो करेगी ही, तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और शाफ्ट के अंदर में जो वाशर है उसको सही से लगाइएगा और ज़्यादा गैप ना रहे, नॉर्मल गैप रखेंगे तो पंखा जो फिर ही अच्छे तरीके से घूमेगी। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे नट को लगा लेते हैं और इसको फिटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। तो ये सारी बातें थी इस पंखे के बारे में, आपको एक्यूरेट है कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है अगर कुछ प्रॉब्लम होती है आपको बनाने में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर चैट कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत होती है तो मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्व करने का कोशिश करूँगा फ्रेंड। लगभग पंखा में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, कभी कभी प्रॉब्लम हल नहीं भी होती है फ्रेंड, तो उस टाइम में कोयल को चेंज करना पड़ता है और उस सामान को चेंज करना पड़ता है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे इस पंखे के सारे नट बोल्ट को लगा लेते हैं और इजीली इसको सेटिंग करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे पहले दो नट को लगा लिया हूँ और हाथ से घुमा कर देखते हैं, लगभग इतना में भी फ्री हो जाता है, लेकिन चारों नट लगाएंगे उसके बाद एक रेट फ्री करके देखेंगे फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड मैंने प्लस से ठोक रहा हूँ, थोड़ा सा भी फ्री हो रहा है, लेकिन प्लस से भी हो जाता है लेकिन थोड़ा ठोकना पड़ेगा लास्ट में। तो लगभग हो चुका है फ्री और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गया वाशर वूसर का लग रहा है, तो वाशर का कमी थोड़ा सा करना पड़ेगा, ज़्यादा वाशर हो जाने से आपका जाम होने लगेगा। तो वाशर को आगे पीछे करके और सही तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल करने का कोशिश करेंगे फ्रेंड। और जो है फ्रेंड हमारा नट लगा लेते हैं और कुछ थोड़ा सा मेहनत लगेगा, ये पंखा को सर्विसिंग करने में फ्रेंड एक घंटा का समय लगता है फ्रेंड, और एक घंटा का चार्ज हम लोग 150 रुपया के आसपास हमारा जो होता है दुकान का। तो आप भी मार्केट में 100 से 150 रुपये के अंदर में इसको क्लैरिटी बना के आप इसको दे सकते हैं, बाकी दुकान वाला भी लोग ज़्यादा चार्ज भी कर सकते हैं, बहुत दुकान वाला अलग अलग चार्ज होती है फ्रेंड, लेकिन आपका जो मेहनत का है उस हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं चार्ज। तो हमारा जो मेहनत हिसाब से मैं बता दी हूँ एक घंटा से डेढ़ घंटा के आसपास लगती, किसी किसी पंखा में दिनों दिन लग जाता है। तो पंखे पे डिपेंड करती है और प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है कि पंखे में कितनी लेट लगती, लेकिन एक नॉर्मल में बता दूँ आधा घंटा से एक घंटा के अंदर ही पंखा आपका जो है बन के तैयार हो जाएगा नॉर्मल प्रॉब्लम में। तो चलिए हमारा जो पंखा बन के तैयार हो चुका है और थोड़ा सा इसको ठोकेंगे और ये जो पंखा हमारा फ्री घूमने लगेगी। तो चलिए थोड़ा मैं लेके आता हूँ और थोड़ा सा ठोकते हैं और पंखा जो हमारा फ्री हो चुका है, थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा फ्रेंड ठोक ठोक के आगे पीछे से, और अच्छी तरीके से बैलेंस करने के बाद आपका जो पंखा चलने लगेगी, कभी कभी बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड हमारा जो है ये सक्सेस हो चुका है और घूमने लगा है, और यहाँ पे मैं कैपेसिटर लगाऊंगा, थोड़ा सा नट टाइट कर लेते हैं फ्रेंड, सब नट थोड़ा सा ढीला है, और टाइट करने के बाद थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको फ्री करने का कोशिश करूंगा फ्रेंड। और हमारा जो है फ्री हो चुका है, बहुत ही मस्त और बहुत ही फर्स्ट क्लास। तो चलिए यहाँ पे कैपेसिटर लगाते हैं, कैपेसिटर का दो वायर जो है ब्लू और ब्लैक और एक रेड है, रेड को मेन वायर देंगे। और चलिए कैपेसिटर लगा के यहाँ पे चेक करते हैं फ्रेंड। तो चलिए कैपेसिटर यहाँ पे लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाते हैं फ्रेंड। पंखे जो है यहाँ पे घूमने लगेंगे, आपका जो कोयल अगर सही चेक करके अगर बना लिए होंगे तो। तो चलिए मैंने यहाँ पे चेक करके बना लिया और हमारा जो पंखा घूम रहा है वीडियो में एक्यूरेट आपको दिख रही है फ्रेंड। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं फ्रेंड। तो चलिए आप मोबाइल वोबाइल जो भी है अच्छे तरीके से डाल लीजिएगा तो आपको जो पंखा की आवाज़ है शांत हो जाएगी और बाद में भी नहीं करेगी, ऐसे भी पहले ही आप जो नया सॉफ्ट बूस लगा लेंगे तो आवाज़ तो ऐसे भी नहीं आने वाली है फ्रेंड। तो चलिए तीन वायर को जोड़ के नीचे ले जाएंगे, नीचे वाली नीचे में कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे। तो चलिए तीन वायर को मैं यहाँ पे जोड़ के नीचे ले आते हैं फ्रेंड।
अब भी सेम कुछ इसी तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड आप टेप की मदद से अच्छी तरीके से टेपिंग कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से टेप रहेगा तो किसी को भी शॉर्ट नहीं लग सके। घर में यूज होने वाली सबसे खतरनाक चीज़ है, और ख़तरनाक क्यों ना बोलें, बिजली के मार से बहुत ही लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा लिया हूँ। और कैपेसिटर का भी कनेक्शन मैंने कर लिया हूँ फ्रेंड। और फ्रेंड यहाँ पे जो है कैपेसिटर और कैपेसिटर का जो है मैंने ऊपर में कनेक्शन किया सिंपल, उसी तरीके से कनेक्शन करके यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ फ्रेंड। यहाँ पे स्विच का मुझे ज़रूरत नहीं है और कस्टमर को भी, इसलिए मैं यहाँ पे स्विच का कनेक्शन करके अभी नहीं दिखाऊँगा फ्रेंड। और नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है पूरी कनेक्शन करके आपको दिखाऊँगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड अब इस पंखे को चला के दिखाएँगे फ्रेंड। फ्रेंड चलिए मैंने यहाँ पे टेपिंग भी कर लिया और अंदर से सारे चीज़ को लगा देते हैं। और फ्रेंड आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है 100%। और ये वीडियो को कैसे लगा फ्रेंड लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं इस वीडियो को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया हूँ और आपको समझ में आ भी गया होगा। और चलिए इसको लगा लेते हैं और आपको चला के दिखाते हैं। तो फ्रेंड तब तक के लिए बाय, फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड। तब तक के लिए बाय, और वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। पंखा जो हमारा सक्सेस बन चुका है फ्रेंड।